अभी मैं पहुंच गई हूँ घर, तो अभी मैं बनाती हूँ उन लोग के लिए चाय, क्योंकि दादा को भी जाना है फिर घर, तो फटाफट से भी चाय बना लेती हूँ, दादा को देती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे हों। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, मैं हूँ किरण कुमियाल, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कुमियाल फैमिली ब्लॉग में। तो हो गई है नए दिन की शुरुआत, तो आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ, अभी करीबन 2:30 बजा हुआ है। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को अब शुरू करते हैं और आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहेगा। अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ नीचे अपने खेत के बगल में, क्योंकि वहाँ पे मम्मी होगी और चाचा की लड़की और दादा हो गए हैं, वो लोग गए हैं वहाँ पे घास काटने के लिए, यानी काटने के लिए, जो अदरक हम बाद में लगाएंगे तो उसकी तैयारी अभी से शुरू हो जाती है हमारे वहाँ, तो उसको काटने के लिए वो लोग गए हुए हैं। तो अभी मैं उन लोग के लिए ले जा रही हूँ चाय, तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ बने रहेगा। और आज का मौसम हमारे वहाँ का कुछ इस तरह से है, धूप काफ़ी अच्छी आई थी, तो अभी तो फिलहाल धूप निकल चुकी है और सुबह से मैंने इतने सारे ये कपड़े धोए, तो कुछ कपड़े सूख भी चुके हैं और नीचे भी टके हुए हैं, तो मैंने काफ़ी सारे कपड़े धोए आज। ये उधर आसमान में आप सभी को थोड़े थोड़े बादल भी दिखाई दे रहे होंगे। तो अभी मैं यहाँ पर ब्लॉग बना रही हूँ और बिल्ली मेरे पीछे पीछे पाँव के नीचे घूम रही है, और इसमें मैंने अपनी चाय रखी है, ये हो गई गिलास, और ये नमकीन ले जा रही हूँ मैं उनके लिए, और नमकीन कुछ पॉलीथीन की आवाज़ आ रही है तो बिल्ली पहले पहुंच गई है। कहाँ जाना है मुझे? जाना है यहाँ नीचे, तो ये जो नीचे वाला जंगल दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ जाना है, लेकिन वो कहाँ होंगे मुझे ऐसा कुछ मालूम तो नहीं है, लेकिन मैं जाऊँगी और वहाँ जाके आवाज़ लगा के ही पता चलेगा वो लोग कहाँ गए हुए हैं। भी मेरे साथ आज तक बने रहेगा और आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोग को क्या क्या दिखाने वाली हूँ। और वहाँ से हमारी भैंस भी मुझे आवाज़ लगा रही है, क्योंकि मैं घर पे ताला लगा के आ चुकी हूँ, वहाँ पे कोई भी नहीं है, तो ऐसा होता है ना, हमारी भैंस घर पे ही बधी रहती है, तो उसको भी हम लोग के साथ रहने की आदत सी हो गई है, जब हम लोग घर पे कोई ही रहते हैं तो आवाज़ करने लग जाती है, तो घर पे कोई भी रहेगा ना उसे दिखाई देना चाहिए, अगर हम लोग वहाँ से ताला लगा के चले गए हैं तो आवाज़ करने लग जाती है। देखो मैं इधर आ गई तो इधर कोई देख रही है, और ये देख सकते हैं हमारे यहाँ का व्यू, कितना घनघोर जंगल है हमारे यहाँ, देखो आगे से मेरे घर के आगे से बिल्कुल पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं पहाड़। तो यहाँ से मैंने आवाज़ लगाई, यहाँ पे काट रहे हैं वो लोग, तो यहीं पे मुझे जाना है। अब जाके मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ, तो मैं फाइनली पहुंच गई हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे दादा काट रहे हैं ये घास, और नीचे है मम्मी लोग। तो हमारी पाथरी वाली घास ये होती है, तो इसको हम काट काट के गट्ठा बात के ऐसे जो बीटे बांधते हैं, तो उसको बांध के खेतों में रख देते हैं, फिर 3-4 महीने बाद जब भी अदरक लगाएं तो उसको छापने के लिए ये होता है। ना मैंने पिंटा ना ना मैंने फिर। तो यहाँ पे हमने चाय पी ली है सब लोगों ने, और मम्मी लोग फिर से पाथिन काटने शुरू करेंगे अपना, और मैं जा रही हूँ घर ये बर्तन लेके, और थोड़ी मम्मी ने लकड़ी तोड़ी हुई है तो उन लकड़ियों को लेके मैं चलती हूँ घर को, फिर आप लोगों को मिलती हूँ घर जाके। तो यहाँ पे फिर से पाथिन काटने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गई हूँ घर, और यहाँ पे रखी हुई है मैंने लकड़ियाँ, तो वो लोग तो अभी वहीं हैं, तो वो लोग आएंगे करीबन 5 बजे, तो फिलहाल अभी मुझे घर का सारा काम मैं फटाफट निपटा लेती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ज़्यादा ही ठंड होने लग जाएगी, तो अभी मुझे बांधना है ये हमारी बाछी है,
और भैंस है, इनको मुझे अंदर बांधना है। उसके बाद जो हमारा ये थौड़ है, तो दोस्तों हम इसको थौड़ कहते हैं, यानी जिसमें हम भैंस को बांधते हैं, भैंस गाय बच्चियाँ जो भी बांधते हैं, तो उसको थौड़ कहा जाता है हमारे यहाँ। तो इस थौड़ का मुझे सारा गोबर निकालना है, तो लगभग ये 2 डलिया होगा। तो ये गोबर निकाल के मुझे फेंकना है, फिर वहाँ दूर वाले खेतों में फेंकना है, क्योंकि घर पर इकट्ठा करके भी क्या ही करेंगे, बाद में तो फेंकना हम ही को पड़ेगा। तो अभी टाइम भी है, तो मैं इसको निकाल के वहाँ दूर वाले खेत में फेंक के आऊँगी। तो उसके बाद मुझे जाना है रोड पर, तो रोड पर भी जाना है और दुकान में भी जाना है, थोड़ा सामान लेके आना है दुकान से। और आज आ रहे हैं मेरे दादाजी हल्द्वानी से, तो दादाजी को भी लेके आऊंगी और सामान भी लेके आऊंगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप सभी को अपना सारा काम निपटाने के बाद। तो ये है हमारा खरी यानी छप्पर, जहाँ हम गाय भैंस बांधते हैं अपने। तो यहाँ पे हमको गाय वस्यों को बांधने से पहले, सबसे पहले ये सूखी घास जो होती है उनके लिए बिछाना पड़ता है नीचे, क्योंकि ठंड लग जाती है, तो उससे बचने के लिए इस तरह से घास को बिछाया जाता है। तो यहाँ मैंने सबके नीचे घास को बिछा दिया इस तरह से। तो अब मैं भैंस को अंदर बांधती हूँ। अपना सारा काम करने के बाद अभी मैं जाने लग गई हूँ ऊपर दुकान पे। तो चलिए चलते हैं ऊपर दुकान पे। और इधर जो गेहूं के खेत में आप लोग को ये जो व्हाइट व्हाइट कलर का दिखाई दे रही है रूल जैसी, तो जो ये रेखाएं खींच रखी है मेरे पापा ने, जो राख होती है, तो उस राख को इकट्ठा करके पूरे खेतों में इस तरह से बनाया हुआ है, क्योंकि ये जो व्हाइट कलर का है ना, ये चमकता है और रात को भी चमकता है। तो जो खरगोश आता है इस गेहूं को काटने के लिए, तो उससे बचने के लिए थोड़ा, तो इस तरह से खेतों में बना रखा है ये। तो अभी मैं आधे रास्ते में पहुंच गई हूं, क्योंकि वहां पे मुझे भाभी मिल गई थी, फिर मैं भाभी को रुकी, उसके बाद रास्ते में भाभी के साथ आई, तो अभी भाभी भी चल गई हैं उधर की साइड, उनका रास्ता उधर को है। तो मैं आ गई हूँ दुकान के लिए, आ चुके हैं हल्द्वानी से। वो नमस्ते, ठीक हो तुम? ठीक तुम बैग लियो दुकान यार, जरा सामान लियो मैं। अच्छा, और यहाँ पे आ रही है हेमा, कहाँ जा रही है? बेतालघाट रे। यहाँ पे रास्ते में मुझे हेमा भी मिल गई है, ये आ रही है मार्केट से, यानी बेतालघाट से। दिखाने गए थे, उसके ना स्वास्थ्य खराब हो रहा है, बुखार आ रखा है आजकल, सर्दियों का टाइम चल रहा है। तो भी रास्ते में मुझे दादाजी मिल गए थे, तो मैंने सोचा था थोड़ी मैं जल्दी जल्दी चले जाऊंगी, तो दादाजी को भी लेके आऊंगी साथ में, बुबू का बैग लेके आऊंगी, पर बुबू मुझे रास्ते में ही मिल गए। और दुकान यहाँ से थोड़ी दूर और है, तो मैं बैग को वापस भी ऊपर नहीं ले जा सकती, और बैग को रास्ते में भी नहीं छोड़ सकती इस तरह। तो फिर बुबू ही ले गए हैं बैग को, तो फटाफट जाती हूँ दुकान से ले आती हूँ, क्या पता जाते वक्त मुझे रास्ते में मैंने छोप दिया उनको, तो फिर ले जाऊँगी। और चले जाएंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान भी नहीं होगा बुबू के पास, थोड़े इनके कपड़े वगैरह होंगे। तो अभी मैं जल्दी से जा रही हूँ फटाफट, रास्ते में मुझे हेमा भी मिल गई थी, वो आ रही थी बेतालघाट से। तो चलिए अभी मैं मिलती हूँ आप सभी को दुकान पर जाके। इस तरह से ये पलंग बनाया जा रहा है, तो दीदी भी हेल्प कर रही है ताऊजी की। तो मैं पहुंच गई हूँ दुकान, ये है दुकान की मालकिन। तो यहाँ पे जितने लोग भी आ रहे हैं भाई लोग ना, ये छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, ये शर्मा रहे हैं बहुत, एक ये नहीं शर्मा रहा है, और इसको मैं जानती हूँ ऐसे,
पर मैं इसको भूल जाती हूँ क्योंकि ये बचपन से बाहर रहा है, अभी आ रखा है अपने गाँव में, है ना। नीरज कुमार, गौरव कुमार। अभी मैं आ गई हूँ दुकान से, वो ताऊ जी वहाँ पे काम कर रहे थे तो उन्होंने बोला चटपटा लेके आना कुछ, तो मैं उनको दे के आई नमकीन। तो अभी चलते हैं घर को, तो अभी मैं तेज तेज जा रही हूँ घर के लिए भी, क्योंकि अंधेरा होने वाला है ना, तो जाना भी थोड़ा काफ़ी है। और ये है शाम का अभी का मौसम, तो उधर से थोड़ा थोड़ा कोहरा भी आने लग गया है, कोहरे की धुंध दिखाई दे रही है। तो आजकल ना गांव में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा, तो पानी भरने के लोग इतने दूर आते हैं, और यहाँ पे इतने छोटे छोटे बच्चे भी है बर्तन लेके आए हुए हैं। हेलो नीरज चाची, नमस्ते। हो तुम्हें आना पड़ी थोड़ सा कपड़ा पार भर ऐसा ऐ। तो आजकल गांव में पानी टूट रखा है, लेकिन इधर की साइड तो हमारे गाँव में ना दो पानी के स्रोत है, तो एक बढ़ जाता है उधर के गांव में, क्योंकि गांव दो हिस्सों में बटा हुआ है। वैसे तो गांव अलग अलग बसा हुआ है हमारा, लेकिन दो हिस्सों में थोड़ा ज़्यादा गांव बटा हुआ है, तो इधर की साइड आजकल पानी टूट गया है, तो जो हमारी वाली लाइन है उसमें तो पानी चल रहा है, तो उसमें पानी चल रहा है इसीलिए हमारे घर तक पानी पहुँच रहा है नीचे। तो जो उधर वाले साइड रहते हैं गाँव में, तो वहाँ के स्रोत से पानी टूट चुका है, तो उधर वालों के लिए पानी की आजकल काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो लोग वहाँ से इतनी दूर गाँव छोड़ के नीचे आते हैं, तो उन लोग के लिए पानी टूटने पर काफ़ी दिक्कत होती है। और यहाँ पे रास्ते में हमारे घर के पीछे ने घास का गट्ठा बिछा रखा है, तो ये पक्का दादा का होगा जो हमारे घर पे आए थे काटने के लिए पाथिन। हो मतलब दुकान में जा रही थी। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ घर, तो अभी मैं बनाती हूँ उन लोग के लिए चाय, क्योंकि दादा को भी जाना है फिर घर, तो फटाफट से भी चाय बना लेती हूँ, दादा को देती हूँ फिर जाएंगे। यहाँ पर मम्मी ने रख दी है चाय पहले। बुबू लेके आए हैं इतने सारे फल, इसमें है माल्टे सेब केले, और आज लेके आए हैं हमारे दादाजी ये है कस की थाली, तो ये नई थाली हुई है, तो मैंने इस पे ही रखा है जो सामान लेके आए हैं। तो खाने के लिए लाए हैं ये मिठाई, इसमें पता नहीं कौन सी मिठाई हो सकती है, और ये है गुड़पट्टी मूँगफली वाली, ये गुड़पट्टी है, और ये है चने, और इसमें ताई ने रखा है ये बड़ी है जो घर में बनाते हैं भुज की बड़ी, और ये पता नहीं क्या रखा है इसमें भी कुछ रखा हुआ है उन्होंने घर से। तो अभी देखते हैं मैं इसमें कौन सी मिठाई है। मैं अभी आ चुकी हूँ अपने कमरे में खाना खा के, तो उस समय से हम बूबू के साथ बैठे थे, तो कितने दिनों के बाद आ रहे थे ना बूबू घर पे, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कहा जाता है ना कि या तो बूढ़ों को लेके घर अच्छा लगता है या फिर बच्चों को लेके घर अच्छा लगता है, तो वही कंडीशन आजकल हमारे साथ भी हो रही थी, वरना घर पर हम केवल तीन लोग थे, मैं मम्मी पापा। तो आज बूबू आ चुके हैं फिर से, तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, और आज के इस ब्लॉग को अब मैं यही समाप्त करती हूँ। आशा करूंगी आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आएगा। यदि आप लोगों ने मेरा ब्लॉग लास्ट तक देख लिया है तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप सभी को अपने कल के आने वाले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार और बाय बाय।